ये देख सकते हैं आप, ये हमारा टेक्सचराइजिंग मशीन है। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हमारी सर्कुलर नेटिंग मशीन आएगी। ये जो नीचे मैंने आपको जो यान दिखाया था, वो यान इसमें चारों तरफ क्रिल्स में लगता है। ये जो ऐसे रोल्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्रे आज की डेट में हमारे पास डाइट भी बनता है, प्रिंट भी बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल, शिवा टेक्सटाइल फर्म का सोल प्रोप्राइटर, मैन्युफैक्चरर, ओनर, आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस आपके सामने रखे हैं, आपको वीडियोस के थ्रू आपसे जितना भी कम्युनिकेट किया है दोस्तों, उसमें मैंने मेरे पास कई ऐसी इंक्वायरीज आई दोस्तों, जिसमें मेरे गारमेंट बंधुओं ने, कई लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मुझे कहा कि राहुल सर, आप कुछ वीडियोज़ है ना, कुछ हमें कलेक्शन आप लाइक्रा बेस का और बताइए कि आज जो आज का टेस्ट है, आज का जो प्रेजेंट टाइम है दोस्तों, लाइक्रा का बहुत बड़ा मार्केट है। लाइक्रा फैब्रिक्स का गारमेंट में जितना बिजनेस होता है, उसका दोस्तों काफ़ी हद तक परसेंटेज लाइक्रा में होता है। गारमेंट लाइक्रा के बहुत बनते हैं दोस्तों, लाइक्रा के हमारे शॉर्ट्स बनते हैं, लेडीज़ लेगिंग्स बनती हैं, प्रिंटेड वन पीसेस बनते हैं। गारमेंट्स में दोस्तों लाइक्रा का बहुत बड़ा मार्केट है। तो उस मार्केट को दोस्तों, आज तक तो हम जो है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, हमने कभी भी इस ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू कभी कोशिश नहीं करी कि भाई लाइक्रा को हम प्रमोट करेंगे, वो दोस्तों ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको, कभी भी ज़रूरत नहीं दिखी। पर हमने सोचा कि अगर हमारे कस्टमर्स हमसे डिमांड कर रहे हैं, तो क्यों ना उस चीज़ को फुलफ़िल किया जाए। तो आज मैं दोस्तों आपको मेरी लाइक्रा की यूनिट में लेके आया हूँ। आज जो हम आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम हमारी पूरी यूनिट से गो थ्रू कराएंगे आपको, लाइक्रा की यूनिट से। लाइक्रा की यूनिट से क्यों गो थ्रू करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, पहला मेरा मेन मकसद तो यही है कि मैं आपको एक ट्रूथ दिखा सकूँ कि हाँ दोस्तों, मैं खुद मैन्युफैक्चर हूँ, मेरी मशीनें खुद की हैं। वो चीज़ आपके सामने फर्स्ट चीज़ मेरे को रखनी ज़रूरी थी, मेरे को लगा, तो वो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, आपके सामने एक कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाए कि दोस्तों हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो दो चीज़ हैं, वो एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ दो चीज़ है। तो उस चीज़ को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं ये पूरी मेरी यूनिट आपको दिखाऊंगा कैसे धागा बनता है, कच्चा धागा बनता है, उससे फिर जब निटिंग मशीन पर चढ़ता है माल, और फिर उस फैब्रिक का कच्चा ग्रे जो बनता है, रोल बनते हैं, वो रोल्स आपको दिखाएंगे, अलग अलग फैब्रिक्स दिखाएंगे दोस्तों। उसमें भी हमारे पास लाइक्रा है, सरीना है, टू वे है, फोर वे है, करारा है, मैटी है, और दोस्तों फोर वे फैब्रिक्स है, डाइड में है, प्रिंट में है, टिंटिन एक फैब्रिक आता है, मल करके एक फैब्रिक आता है, स्पन एक फैब्रिक आता है, लाइक्रा बेस स्पन। तो आगे दोस्तों ऐसे ठंड आ रही है अभी दिवाली के बाद, दिवाली नज़दीक है, मुश्किल से 20-25 दिन रह गया है। उस दिवाली के तुरंत बाद मोटा कपड़ा लाइक्रा में खूब चलता है, खूब बिकता है, तो वो फैब्रिक्स आपको दिखाएंगे। करारा खूब बिकता है, खूब बिक रहा है, इनफैक्ट मैटी बिक रहा है, टिंटिन बेस्ड फैब्रिक्स बिक रहे हैं, प्रिंटेड में, डाइड में, टू वे खूब बिकता है, टू वे आज का हॉट केक आइटम है, टू वे, फोर वे, तो वो सब वेराइटीज़ दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं आज हम। हमारी सबसे पहले हम आपको यूनिट दिखाएंगे पूरा दोस्तों। उस यूनिट में आप देखेंगे तो आपको वो एक चीज़ मिलेगी दोस्तों, एक ट्रस्ट मिलेगा, वो ट्रस्ट हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप आइए, शॉप विज़िट कीजिए, आप बोलेंगे तो, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको फैक्ट्री भी ले चलेंगे दोस्तों। इन पर्सन भी आप आएंगे, शॉप विज़िट करते हैं तो शॉप से आपको फैक्ट्री भी विज़िट करा देंगे। तो एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश है दोस्तों मेरी, मेरा कोई लालच नहीं है दोस्तों इसमें, और आपको मज़ा आएगा। सबसे बड़ा चीज़ मेरे को खुद को अंदर से फील होता है दोस्तों, तो मज़ा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आइए चलते हैं। चलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं हमारी फैक्ट्री में, यहाँ हम आपको नीटिंग की फैक्ट्री हम दिखाने जा रहे हैं। नीटिंग सर्कुलर नीटिंग फैब्रिक है, जो बोथ साइड स्ट्रेचेबल भी होता है, टू वे भी होता है। इस फैक्ट्री को हमें हो गए हैं सर आज 15 साल हो गए हैं इस फैक्ट्री को रनिंग होते हुए, रेगुलर होते हुए। इस यूनिट को हमने स्टार्ट किया था 2007 में, आज इसको 15 साल हो चुके हैं, 2022 है आज। 15 साल में सर
इतना ही इस फैब्रिक में काम किया है हमने, तो एक एक्सपीरियंस गेन किया है दोस्तों, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आज हम। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा टेक्सचराइजिंग मशीन है, इसमें इधर ये लेफ़्ट साइड में POY रखा हुआ है, ये पूरा ये ऐसे पैलेट्स में आता है दोस्तों। POY बोले तो कच्चा धागा, जो एकदम कच्चा धागा था, इसको अगर आप हाथ में पकड़ोगे, हल्का सा भी प्रेशर डालेंगे आप, तुरंत टूट जाता है, कच्चा धागा आता है ये। इस कच्चे धागे को इस टेक्सचराइजिंग मशीन में हम लोडिंग वाली जगह पे, यहाँ राइट साइड में लोडिंग होती है, यहाँ पे ये POY का कच्चा धागा चढ़ाया हमने, इसको पूरा ऑल द वे ऊपर, हीटर हैं हमारे जहाँ ट्यूबलाइट के ऊपर आप देख सकते हैं हीटर्स हैं, ये उन हीटर्स को प्राइमरी हीटर्स कहते हैं, उस प्राइमरी हीटर से गुजरता है पूरा ये यान POY, और उस POY को 150 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं हम। इस टेक्सचराइजिंग मशीन का काम ही है, टेक्सचराइजिंग का मतलब ही है कि एक टेक्सचर दे देना, एक यान को, जो POY हमारा कच्चा यान है, उसको हम एक टेक्सचर दे देते हैं, एक फील दे देते हैं। उस फील को देने से क्या है, फैब्रिक अलग अलग तरीके के टेक्सचराइज फैब्रिक्स बोलते हैं ना सर हम, वो टेक्सचर जो है यहाँ से आता है, जहाँ यान का जो स्टार्टिंग है, धागे का जो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग में जो मेहनत की जाती है, तब जाके उस फील से फैब्रिक रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा टेक्सचराइजिंग यूनिट है हमारा, दो साइड्स में है डिवाइडेड, तो दोनों साइड्स में डबल अपने को प्रोडक्शन मिलता है जिससे, दोनों साइड से। और ये आप देख सकते हैं POY लेफ्ट साइड में है और यान राइट साइड में वाइंड हो रहा है वापस, पूरा एक प्रोसेस के थ्रू 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं, जिससे वो यान पूरा रेडी होता है। अब हम चलते हैं हमारे दोस्तों नीटिंग मशीन की तरफ। तो ये देखिए, रोल्स ऐसे ट्यूब्स में रोल निकलते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो चेकर जो है उसको चेक कर रहा है, मीटर टू मीटर पूरा माल चेकिंग होता है, पूरा एक प्रोसेस के थ्रू काम है दोस्तों हमारा। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हमारी सर्कुलर नीटिंग मशीन आएगी, ये जो नीचे मैंने आपको जो यान दिखाया था, वो यान इसमें चारों तरफ क्रिल्स में लगता है। अलग अलग मशीन्स आती हैं दोस्तों, कोई 96 फीडर आता है, कोई 120 फीडर आता है, अलग अलग गेज की आती है मशीन्स। मेरे पास जैसे 22 गेज की मशीन है, 24 गेज की मशीन है, 28 गेज की मशीन है, हमारे पास 24 गेज, 28 गेज और अलग अलग डाया की भी आती है दोस्तों मशीनें, अलग अलग फीडर्स और अलग अलग डायर्स में मशीन सर्कुलर नीटिंग की मशीन आती हैं। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ जो क्रिल लगी है, इसमें से यान उतर के अंदर इसमें कैम्स और नीडल्स के थ्रू एक पूरा एक अरेंजमेंट रहता है कैम्स और नीडल्स का, उस अरेंजमेंट के थ्रू वो नीडल्स के थ्रू नीचे धागा उतरता है, और उसमें एक स्पिंडल रहता है जो वीव करता है, वो नीडल्स में से एक स्पिंडल जो है वीव करता है फैब्रिक को, जिससे ये रोल्स में, ट्यूब्स में ये इस टाइप के रोल्स हमारे निकलते हैं। ये रोल करीब करीब 25 किलो का एवरेज एक सेटिंग किया हुआ रहता है दोस्तों, कि इतना मीटर्स घूमेगा मशीन। तो ये जो ऐसे रोल्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्रे बन गया, ग्रे मतलब कच्चा कपड़ा बन गया, कच्चा धागा देखा था हमने, उसको पकाया हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे, उस धागे से हमने फिर ग्रे बना दिया, कच्चा कपड़ा बना दिया। अब हम इससे आगे जब जाएंगे, ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं, इसके आगे हमारे पास अब फिनिश का आगे एक डिपार्टमेंट पूरा हमारा, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग फैब्रिक्स हैं दोस्तों, ये 28 गेज सरीना भी है, 24 गेज सरीना भी है। 24 गेज दोस्तों सरीना का मतलब हो गया मेरा 6.5 मीटर की चढ़ती, जी हाँ दोस्तों 6.5 मीटर की चढ़ती, 28 गेज सरीना हो गया 5 मीटर की चढ़ती। तो अलग अलग चढ़ती का गेज का कपड़ा हमारे पास बनता है, मैं आपको पूरा एक लिस्ट गिनाने जाऊंगा तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, इतने फैब्रिक्स हम बनाते हैं नीटिंग में, लाइक्रा बेस्ड फैब्रिक्स बनाते हैं, 2 वे बनता है, 4 वे बनता है, नीटिंग की जितनी आइटम आप दोस्तों सोच सकते हैं उससे ज़्यादा आइटम्स हम बना रहे हैं आज की डेट में। हमारे पास डाइड भी बनता है, प्रिंट भी बनता है, हर वेराइटी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों डिज़ाइन, कलर कॉन्सेप्ट देखिए आप, कलर मैचिंग देखिए। और एक चीज़ और है दोस्तों इसमें,
अगर आप हमको प्रोग्रामिंग बेस्ड काम करना है आपको हमारे साथ, तो वो काम भी हो जाएगा दोस्तों। आप बोलेंगे सर डिज़ाइन मैं दूंगा आपको, तो वो आपकी डिज़ाइन के भी प्रिंट्स हमारे पास बन जाएंगे, आपकी कलर मैचिंग का भी डाइड फैब्रिक हमारे पास बन जाएगा, और जितने आप मिनिमम क्वांटिटी बोलेंगे उसमें हम काम करके देंगे। जनरली हमारे चार्ट्स ऐसे हैं कि आपको कलर्स मिल जाते हैं 99% तक, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आती है जनरली फैब्रिक्स में। पर अगर कोई बाई चांस ऐसा कलर बैठता है जो आपको चाहिए, भाई हमको तो यही कलर मैचिंग चाहिए, तो वो प्रोग्राम बेस आप कटिंग सेंड कीजिए हमको कुरियर से, वो APC कलर कटिंग बन जाएगी। ये देखिए 2A फैब्रिक में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 2A लाइक्रा जो आज के डेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकने वाला फैब्रिक है निटिंग में, और आगे गर्मी भी सर्दी आ रही है आगे, दिसंबर का महीना आ रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना आने वाला है, तो ये मोटा फैब्रिक, ये 4A है। देखिए दोस्तों मेरे पास 4A भी है, 2A भी है, और डाइड भी है, उसमें प्रिंट भी है, करारा बनेगा अभी, अभी स्पन की आइटमें बनेंगी ठंड के हिसाब से। तो दोस्तों सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी मेरे पास, एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। दोस्तों मज़ा आया आपको हमारा ये निटिंग यूनिट देख के, हमें ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा आपका फीडबैक। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को और देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, तो हमारा नया वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा आपको। थैंक यू, नमस्कार।